हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टॉप रैंक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुबई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप टॉप रैंक के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हुए इसे सब्सक्राइब करें। दुबई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर अजीबोगरीब कानून बनाए गए हैं, लोगों को उनका पालन करना पड़ता है वरना वे सजा के भागीदारी हैं। ऐसा ही एक देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई है। यूएई 7 अमीरातों से मिलकर बना है और इन सबके कानून अलग अलग हैं। इसका एक प्रमुख अमीरात दुबई है। दुबई अपने आलीशान इमारतों, नाइट लाइफ के कारण लोगों को खूब आकर्षित करता है। आज इस वीडियो में हम आपको दुबई के 7 अजीबोगरीब फैक्ट्स बता रहे हैं। नहीं एड्रेस सिस्टम। दुनिया भर के तमाम शहरों में एड्रेस सिस्टम है जिसके जरिए लोग बड़ी आसानी से किसी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। ऐसे में अगर आपको किसी एड्रेस पर जाना है तो वहां के आसपास के मकान या होटल्स या किसी अन्य प्लेस की जानकारी होनी चाहिए। शादी से पहले नहीं बना सकते हैं संबंध। दुबई में शादी से पहले महिला पुरुष का संबंध बनाना अवैध है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तार करने के अलावा निर्वासित भी किया जा सकता है। हालांकि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शादी से पहले खुले आम हाथ पकड़कर चलने और किस करते हुए पकड़े जाने पर भी जेल हो सकती है। दुबई में क्राइम ग्राफ 0। दुनिया भर के ज्यादातर शहरों में अपराध की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन बता दें कि दुबई में अपराध की संख्या 0% है। इसकी वजह वहां के कड़े कानून हैं। अपराध ना होने की वजह से ही दुबई को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। दुबई में सबसे ज्यादा इंडियन हैं। दुबई में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 17% आबादी ही दुबई वासियों की है तथा 50% जनसंख्या भारतीयों की है। बाकी की 33% जनसंख्या दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोगों की है। नहीं लगता इनकम टैक्स। भारत सहित दुनिया भर के तमाम देशों में लोगों को इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। दुनिया के 20% क्रेन दुबई में है। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन बता दें कि पूरी दुनिया के 20% क्रेन सिर्फ दुबई में है, जो कि वहां पर बनने वाली इमारतों के निर्माण कार्यों में लगाए गए हैं। दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है। दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है। इसका वजन 22 किलो है और इसे 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। ATM से निकलते हैं सोने के सिक्के। दुबई में ऐसे ATM भी हैं जिसमें गोल्ड बार, सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के निकलते हैं। इससे मशीन पर भी सोने की मोटी लेयर चढ़ी होती है और यहाँ कस्टमर्स को 24 कैरेट के गोल्ड क्वाइन और गोल्ड बिस्किट के कई ऑप्शंस मिलते हैं। घर में शराब पीने के लिए भी जरूरी है लाइसेंस। दुबई में अपने घर में ही अल्कोहल रखने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है। लिकर लाइसेंस के बिना अपने घर में शराब पीने की इजाजत नहीं होती है। दुबई शहर अपनी दौलत, शोहरत और ऊंची इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दुबई सोने का दीवाना है। क्या आपको पता है कि बुर्ज अल अरब की इमारत में लगभग 1790 स्क्वायर मीटर तक का सोना जड़ा हुआ है। ये पूरे 24 कैरेट का है और इसमें से ज्यादातर पेंटिंग में जड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद।